तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार, आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा उद्यमी योजना से रिलेटेड मैं बताता रहता हूँ, हर एक छोटा सा छोटा अपडेट मैं आपको लेकर आता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं खास विषय कर लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूँ, उद्यमी योजना से ही रिलेटेड है। 23 सितंबर की बात आपको बहुत सारे लोगों का पता था कि जब आप नया रजिस्ट्रेशन करते होंगे उस टाइम बहुत सारे लोग जिनका आधार से लिंक था उनका भी आधार सत्यापन विफल लिख रहा था। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था उनका तो काम हुआ लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे उस वक्त नाम OTP भेजने से पहले वहाँ पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है, तो आधार सत्यापन नहीं होता है, तो इसीलिए वो ऐसा लिखता है। ऐसे में आधार कार्ड जो सत्यापन विफल वाला बात है तो वो साइट प्रॉब्लम के कारण था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मुझे आधार से मोबाइल नंबर लिंक है फिर भी मुझे ऐसा लिख रहा था, ऐसा बात क्या है? तो वहीं से साइट का प्रॉब्लम था, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब साइट अच्छे से काम करने लगेगा तो आप करेंगे। ऐसे में बार बार मैं सभी को चेतावनी देता हूँ कि भाई लास्ट समय से पहले 1-2 दिन पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि छूट जाएगा, मात्र 15 दिन का समय है। हालांकि मैंने लेटर लिखा है 15 दिन और बढ़ाने का, मैंने मांग किया है कि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा मेरी बातों को मान ले तो हो सकता है कि 15 दिन आगे बढ़ सकता है, तो मेरा जो आप लोगों के हित में जो भी काम होगा मैं करूँगा। तो 15 दिन की मैंने मांग किया है, 15 अक्टूबर तक। वैसे भी अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, मैं पहला चैनल है जो मैं आप लोगों का देखिए, ऐसा एक चैनल होना चाहिए कि आपके सपोर्ट में आपके हर, और इसका आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, समझे। और मैंने लेटर लिखा है कि सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने अपने बात को रखा है कि सर ऐसे में एक दिन वैसे भी गैप चला गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जाति आवासीय निवास नहीं बना था, 10 दिन लगता है बनने में, ऐसे में 15 दिन का आपने समय दिया है, 15 दिन और बढ़ा दीजिए, 15 अक्टूबर तक तकरीबन सभी का काम हो जाएगा। उनका कहना था कि सर देखिए जो भी 8000 वैकेंसी है, 8000 वैकेंसी में हमें अगर इसी में कोटा फुल हो जाएगा तो समझिए कि आगे डेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने अपने लेटर के माध्यम से प्रयास किया है कि चलो भाई अपना बात को रखें, बात मैं रखूंगा आगे, वो बात माने या ना माने वो अलग बात है, क्या मैंने अपना बात को रखा है। फिर भी अगर जो भी बातें होगा मैं आपको मैं शेयर करता रहूंगा। फिर भी मैं ये बता दूं कि आज टूडे फाइन पर मैं बात करता हूं कि 15 सितंबर से 30 सितंबर 5 बजे तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। अगर 30 सितंबर 5 बजे के बाद अगर 7 बजे तक भी साइट काम कर रहा है फिर भी आपको 5 बजे तक ही जो आवेदन लिए जाएंगे वही वैलिड होंगे, क्योंकि 2022 से 23 वाले का मैं बात करूं तो जिनका उनका भी क्राइटेरिया था कि भाई 31 दिसंबर मुझे याद है कि 31 दिसंबर का लास्ट डेट 2022 से 23 वाले का आवेदन लिया गया था और 5 उसी का शाम में ही था 5 बजे तक। उसके बाद जितने भी आवेदन लिए गए हैं उसको वो स्वीकार तो हो गया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरा कहना एक्सेप्ट जो सबमिट होता है ना, सबमिट हो गया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, समझो उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इससे ही है कि 5 बजे तक आपको कोशिश करना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 2-3 दिन पहले आप लास्ट डेट के भर पर ना रहें, क्योंकि देखिए बिहार का वैसे भी ज़्यादातर जो साइट होते हैं थोड़ा लो का होता है, लो क्वालिटी का, इसलिए थोड़ा इसमें जो है ना सर्वर डाउन चलेगा तो अब ज्यादा मात्रा में रहेगा। और इधर तो 5 मात्र आपके पास 6 दिन मात्र आपके पास बचा हुआ है, 6 दिन में मेरा ये कहना था जाति निवास आए ना भी आना मेरे भाई पुराना ही सही डाल दो, किसी तरह अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर अप्लाई हो गया ना,
अगर फाइनलिस्ट में नाम आपका है तो बाद में आपको बहुत सारा होता है, रिसीविंग से भी पिछले बार रिसीविंग अपलोड कर दिया था फिर भी उसका फाइनलिस्ट में नाम आ गया। हाँ भाई, बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन ट्रेड प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दस्तावेज अपडेट के लिए एक अलग से मौका आपको दिया जाएगा, ये बात है। और 15 दिन जो डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इस पर पहले मैंने प्रयास किया है, लेटर मैंने लिखा है और मैंने सेंड करूँगा, अभी सेंड नहीं किया, मैं सेंड करने वाला हूँ, सेंड कर दूँगा इसके बाद। और जो भी 15 दिन, मेरा मानना है कि 15 अक्टूबर तक डेट बढ़ाया जाए। और जो साइट का प्रॉब्लम है मेरे भाई, वहीं से है, जो ही आपका साइट काम करने लगेगा आप लोग भी काम अपना स्टार्ट कीजिएगा, जो भी हर छोटा छोटा अपडेट। हाँ, ये कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैंने जो फाइनल सबमिट कर दिया है अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपका जो है ना लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट कब आने आएगा वो थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि फाइनल लिस्ट जो है ना 2022-23 की मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 2022-23 में मैं आपको बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट तक अप्लाई हुआ, उसके बाद जो 3 जनवरी, जी हाँ फ्रेंड, 3 जनवरी को जो लॉटरी सिस्टम रैंडमाइजेशन 3 जनवरी एक जनवरी के आसपास हुआ था और पूरा प्रकाशित 3 जनवरी तक होगी, 1 तारीख को हुआ था लॉटरी, हुआ था मुझे याद आ रहा है, 1 तारीख तक। तब देखिए 31 दिसंबर लास्ट डेट था 2022-23 वाले का और 1 जनवरी, तो कितना हुआ, जनवरी फरवरी से ही था ना, तो उसमें से हमको लग रहा है कि 1 महीना के अंदर में आपको सारा काम उसमें हो गया था, जनवरी की फरवरी तक क्या हमको इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 22-23 वाला में 1 महीना लिया हुआ था, तो वैसे ही इसको भी 1 महीना लेगा। अगर 1 महीना लेगा तो मैं मान के चलूँ कि आपको जो 31 जो लास्ट जो 15 दिन जो दिया गया है 15 सेप्टेम्बर से 30 सेप्टेम्बर, अगर 30 सेप्टेम्बर तक भी हो, अगर 15 दिन बढ़े 15 अक्टूबर तक भी हो, तो अक्टूबर से आप जोड़ लीजिए, अक्टूबर नवंबर है, तो ये नवंबर के हमको लगता है कि लास्ट नवंबर और जनवरी दिसंबर के 15 दिसंबर से पहले, मेरा ये कहना है कि जो लिस्ट जो आएगा ना रैंडमाइजेशन जो होगा, जब फाइनल लिस्ट आपका रिजल्ट आएगा, मैं एक एक अपडेट मैं दे दूंगा, हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल भी, व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं फिल कर दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर जाइएगा। और जो भी अपडेट आपको रहेगा मैं देता रहूँगा, और आपको ये रिजल्ट जो जारी करने की जो संभावना बनती है, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है, मैं अपना संभावना मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी मानते हैं कि आप थोड़ा बताइएगा तो कुछ कुछ सही होता है, तो इसमें क्या है कि मेरा ये कहना है कि तकरीबन आपको लेकर के चलना है कि हाँ नवंबर लास्ट और जनवरी का 15 दिसंबर नवंबर लास्ट और दिसंबर 15 दिसंबर से पहले, हाँ जनवरी से पहले आपको आ जाएगा है, 1 से 2 महीना आपको बहुत है आपको लेगा ये रिजल्ट लेगा, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम के बाद ही आपका ये ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा काम आपको होगा। और लॉटरी सिस्टम कैसे होता है इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे का हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फोनपे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST All TV।
उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।